हेलो फ्रेंड्स राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम ये देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको ये आठ नंबर कानाजी के लिए ब्यूटीफुल सा पोचो बनाना सिखाया था और इसके अलावा सभी डिफरें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के जो भी लड्डू गोपाल हैं उनके लिए भी आपको मेजरमेंट बताया था कि ये पोचो आप अलग अलग साइजेस में कैसे बना सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है ये पोचो बनाने का और इजिली वे में भी मैंने आपको सिखाया है आज इस वीडियो में मैं आपको इस पोंचो के साथ की मैचिंग कैप बनाना सिखाऊंगी आठ नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आठ नंबर लड्डू गोपाल जी की ये कैप जो है वो आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर करवा सकते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सेफ्टी पिन भी यूज़ किया है तो पहले हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बना लेंगे और इस पे लगा लेंगे एक नॉट सिंगल क्रोशिया के साथ अब हमने इसी मैजिक रिंग में आठ सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया अब इस थ्रेड को हम खींच के टाइट कर देंगे और फिर ये देखिए आपको यहाँ पे जो फर्स्ट चेन नजर आ रही है इसके अंदर हम क्रोशिया को डाल के और इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ मैं यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं कर रही हूँ सिंगल क्रोशिया से ही हम इसको ज्वाइन करेंगे और फिर ये जो हमारी यहाँ पे आपको चेन नजर आ रही है इसके अंदर हम ये सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि हमें ये पता रहेगी हमारा ये फर्स्ट क्रोशिया है नेक्स्ट रो का तो अब इसी चेन में हम एक बार और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया ये सारी कैप में सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाऊंगी ताकि ये थोड़ी खड़ी खड़ी रहे अगर हम इसमें डबल क्रोशिया का यूज करते हैं तो वो थोड़ी लूज लूज बनती है अब यहाँ पे सेकेंड चेन में हम फिर से दो बार डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे थर्ड में भी दो बार सिंगल क्रोशिया इसी तरह से हमें हर चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह तो ये फर्स्ट रो में हमारे पास आठ सिंगल क्रोशिया थे और सेकंड चेन में हमारे पास सोलह हो गए हैं पिन निकालेंगे और फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ तो ये देखिए हमारी थर्ड रो का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है अब तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये कैप की दो रो पूरी हो गई यहाँ थर्ड रो में फिर से हमें हर चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया एक बार दो सिंगल क्रोशिया एक बार एक सिंगल क्रोशिया एक बार दो सिंगल क्रोशिया ऐसे ही करते हुए हमें अपनी थर्ड रो भी पूरी कर लेनी है तो ये फर्स्ट क्रोशिया हमारा बन चुका है अब हम सेकंड चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में एक बनाएंगे फिर उससे नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे नेक्स्ट में एक फिर दो फिर एक फिर दो फिर एक फिर दो एक नेक्स्ट चेन में दो एक नेक्स्ट में दो फिर एक और ये देखिए लास्ट में हमारे पास ये एक चेन बची है इसमें हम दो बार बनाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जहाँ पे सेफ्टी पिन लगाया है उसमें एक ही बनाया था तो लास्ट में हमारे पास आ गए दो फिर हम यहाँ से इसको खोलेंगे और फर्स्ट जो हमारा क्रोशिया है इसके अंदर इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है और थर्ड रो में हमारे पास अब 24 डबल क्रोशिया है अब फोर्थ रो में हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है फोर्थ रो में हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के और फोर्थ रो कंप्लीट कर लेते हैं तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो ये हमारी चारों कंप्लीट हो गई है फिर से हम यहाँ पे इसको फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ कर देंगे अटैच और ये हमारा फर्स्ट क्रोशिया बन गया है फिफ्थ रो का यहां तक हमारे पास ट्वेंटी फोर सिंगल क्रोशिया है और चारों हमारी कंप्लीट हुई है अब हम फिफ्थ रो में दो बार तो एक, -एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट और सेकेंड सेकेंड चेन में थर्ड चेन में हमने दो बार बनाना है फिर फोर्थ फिफ्थ में एक बार सिक्स में दो बार सेवेंथ और एट्थ में एक एक बार नाइन्थ में दो बार इस तरह से ट्वेंटी फोर सिंगल क्रोशिया के ऊपर अब की बार हमारे फिफ्थ रो में थर्टी टू सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं एक एक तो हमने बना लिया ये दो थर्ड चेन में दो बार चार फिर नेक्स्ट में एक पांच नेक्स्ट में एक उससे नेक्स्ट में दो बार सात और आठ फिर नेक्स्ट में एक नौ उससे नेक्स्ट में एक दस उससे नेक्स्ट में दो बार ग्यारह और बारह फिर नेक्स्ट में एक तेरह नेक्स्ट में एक चौदह उससे नेक्स्ट में दो बार पंद्रह और सोलह फिर एक सत्रह फिर एक अठारह उससे नेक्स्ट में दो उन्नीस और बीस फिर से देखिए इक्कीस बाईस और उससे नेक्स्ट में दो तेईस और चौबीस फिर नेक्स्ट में एक पच्चीस एक छब्बीस फिर दो सताईस और 28. फिर नाइन्थ अगली चेन में एक उनतीस फिर अगली में एक तीस और ये लास्ट हमारे पास बची है ये देखिए तो इसमें दो बनाएंगे एक और दो तो ये हो गए हमारे टोटल थर्टी टू डब आ, सिंगल क्रोशिया फिर से यहाँ से फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया से कर देंगे अटैच और ये बन गया है हमारा पहला सिंगल क्रोशिया सिक्स रो के लिए तो ये देखिए फ्रेंड्स यहां तक हमारी पांच रो बनी है और जो फिफ्थ रो है इसमें हमारे पास थर्टी टू सिंगल क्रोशिया है अब इससे नेक्स्ट हमने छह रो और ऐसे ही बना लेनी है बिना कुछ भी इंक्रीज किए थर्टी टू सिंगल क्रोशिया के ऊपर थर्टी टू सिंगल क्रोशिया करते हुए एक रो हमारी बन चुकी है छ हम और बना लेंगे यानी टोटल सेवन रो हो जाएंगे हमारे पास जिसमें कि हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है थर्टी टू के ऊपर थर्टी टू ही बनते जाएंगे सिंगल क्रोशिया और जिससे कि हमारी कैप की जो है वो गुलाई आ जाएगी तो मैं पहले इसमें थर्टी टू चेन के साथ ही सात रो और बना के फिर आपको दिखाती हूँ यहां तक हमारी पांच रो हो चुकी है सात रो हम और बना लेंगे तो टोटल हमारी अब बारह रो हो जाएंगे ठीक है मैं पहले बना लेती हूं फिर आपको दिखा देती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 32 सिंगल क्रोशिया के साथ सात रो कंप्लीट कर ली हैं और चार रो हमारी ऊपर थी तो ये अभी तक ग्यारह रो बन चुकी है फर्स्ट रो में हमारे पास आठ थे फिर सोलह फिर चौबीस फिर बत्तीस और फिर बत्तीस के फर्स्ट रो में हमारे पास आठ थे सेकेंड रो में सोलह थर्ड रो में चौबीस फोर्थ में फिर हमने कोई इंक्रीज नहीं किया था उसमें भी चौबीस फिफ्थ में थर्टी टू और उसके बाद की सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ सभी रोज में हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया है थर्टी टू ही सिंगल क्रोशिया है अब हम यहाँ पे अपनी सेवंथ रो सॉरी uh, ट्वेल्थ रो स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल क्रोशिया के साथ ये देखिए एक डबल क्रोशिया मैंने बना लिया इस रो में हमें जो हमारी बारहवीं रो है ट्वेल्थ रो है इसमें हमने चार सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करने हैं थर्टी टू से थर्टी सिक्स हो जाएंगे तो हम चारों कॉर्नर पे एक यहाँ एक यहाँ एक यहां और एक यहाँ एक एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कर देंगे तो थर्टी टू को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एट एट फोर जा थर्टी टू यानी हमें हर एटथ चेन में दो बार सिंगल क्रोशिया करना है तो ये एक हो गई दो तीन चार पांच छ सात और ये एटथ है तो हमारे पास आठ और इसी चेन में एक और बना लेंगे नौ, फिर दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक आधे चेन इधर या इधर फालतू हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बस चारों डायरेक्शंस में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है एक इधर एक हमने यहाँ बढ़ाया एक हम यहाँ बढ़ा देते हैं इसी चेन में एक और तो ये हमारे पास हो गए अठारह यहाँ तक हमारे पास सोलह थे इसी चेन में हमने दो बनाए ये हो गए अठारह अब फिर से उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस अब ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं फिर से एक चेन में दो बार बना लेंगे छब्बीस सताईस फिर अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस फिर से यहाँ पे दो बढ़ा लेते हैं चौंतीस पैंतीस और लास्ट में एक छत्तीस इस तरह से हमारे पास थर्टी सिक्स हो गए फिर से हम यहाँ पे इसको अब ज्वाइन करेंगे अब की बार मैं इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि ये हमारी थर्टीन रो हो चुकी है सॉरी uh, ट्वेल्थ रो हो चुकी है और हमने अब इस कैप की लास्ट रो बनानी है जो कि होगी थर्टीनथ और वो मैं बनाऊंगी ग्रीन कलर के साथ तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया एक चेन बना के मैं ये थ्रेड जो है कट कर ले रही हूँ अब इसमें हमने जो लास्ट रो बनानी है वो मैं बनाऊंगी ग्रीन कलर के साथ यहां पे हमारे पास थर्टी सिक्स सिंगल क्रोशिया है थर्टी सिक्स चेन है और इस रो में हम कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे थर्टी सिक्स के ऊपर थर्टी सिक्स ही बना लेंगे आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के देख सकते हैं अगर आपको टाइट लगता है तो आप यहाँ पे दो जो सिंगल क्रोशिया है इंक्रीज कर सकते हैं अदरवाइज ये मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ओके okay है आठ नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये यह देखिए यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया ग्रीन कलर को अब यहाँ पे मुझे कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है थर्टी सिक्स के ऊपर हम थर्टी सिक्स ही बना लेंगे तीन, चार पांच सात आप चाहे तो इसको एक ही कलर में बना सकते हैं पर मेरे पास यहाँ पहुँचों में ग्रीन कलर की बाउंड्री है हल्की सी लाइन है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन टच दिया है दो चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह इसी तरह से सारी रोम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स थर्टी सिक्स के ऊपर हमने थर्टी सिक्स चेन बना ली है सिंगल क्रोशिया बना ली हैं अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन बना के धागे को मैं कर रही हूँ कट क्योंकि अब मैं इसमें आगे यूज करूंगी बॉर्डर बनाने के लिए कैप का गोलाई बनाने के लिए रेड कलर और यहां पे जैसे हमने इसमें ये बाउंड्री की थी सेम यही बाउंड्री कर रही हूं मैं कैप में भी तो पहले हम यहाँ पे थ्रेड को कर लेते हैं ज्वाइन एक चेन बना करके और दोनों धागों को खींच लेंगे और बीच बीच में ही लेते रहेंगे साथ के साथ फिर से एक चेन बनाएंगे इसमें क्योंकि ये जो फर्स्ट चेन है तो हमने धागा पक्का करने के लिए लगाई है फिर नेक्स्ट चेन में एक और सिंगल क्रोशिया तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ बॉर्डर में बनाया था दो सिंगल क्रोशिया के बाद थर्ड सिंगल क्रोशिया में हमने वर्क किया था इसी तरह से ये हमारे पास दो सिंगल क्रोशिया हो गए अब थर्ड चेन में हम डालेंगे पहले इस चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर इसी चेन में हमने बनाने हैं तीन डबल क्रोशिया एक मिनट में थोड़ा सा थ्रेड खोल लेती हूँ एक दो और तीन तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गए फिर हम एक चेन स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी थर्ड बारी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी चेन में हमने तीन बार डबल क्रोशिया बना लेना है एक दो तीन फिर एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया उससे अगली में दो सिंगल क्रोशिया उससे अगली में तीन सिंगल क्रोशिया अब ये थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया वाले चेन में ही हम तीन बार डबल क्रोशिया कर लेंगे देखिए इस तरह से फिर एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन में इसको ज्वाइन करेंगे पहले सिंगल क्रोशिया से फिर नेक्स्ट चेन में सेकंड सिंगल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट चेन में थर्ड सिंगल क्रोशिया अब इसी चेन में ही हमने काम स्टार्ट करना है एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे इससे नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया से इसको कर देंगे अटैच फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया फिर थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीन डबल क्रोशिया सेम चेन में फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में इसको कर देंगे अटैच सिंगल क्रोशिया से तो ये देखिए किस तरह की शेप बन रही है इसी तरह से मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है लास्ट में हमारे पास जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें इसको डाल के स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे और एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे बाद में ये जो धाका है इसको हम अंदर की तरफ पक्का कर देंगे और ये देखिए ये हमारे आठ नंबर के लड्डू गोपाल जी का पोचो विद कैप बनके रेडी है उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कैप बनाना भी आप इजिली सीख गए होंगे फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है कैप बनाने में तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं और स्पीड कम करके वीडियो की आप साथ साथ में इसको बनाइए तो आपको आसानी से बनानी आ जाएगी और साथ में आप ये सेफ्टी पिन या फिर मार्कर का यूज जरूर कीजिएगा जब भी आप कोई रो चेंज करते हैं कैप में ताकि आपको सिंगल क्रोशिया की जो काउंटिंग है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कैप है आप भी इसे बनाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइए कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे